बैक अगेन टू रहमसन। और भाई आज है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल, और 11-11 है आज। पाकिस्तान में तो भैया बिगेस्ट सेल लगती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे बिगेस्ट सेल लगती है। पबजी वगैरह हर जगह चीज़ें 11-11 को मिल रही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले तो इम्तियाज़ वहाँ से सब ज़रूरत का सामान लेना, उसके बाद आने के बाद पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल देखने में मज़ा आएगा भाई, समझ रहे हो ना। बड़ी एक्साइटमेंट टाइप हो रही है, तो गुदगुदी टाइप हो रही है ना अंदर से। मैच है ना भाई, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, जीत के सीधा अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जाएंगे। और मैं कल ही प्रेडिक्ट कर देता कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा। सारे दोस्तों को न्यूजीलैंड जीतेगा, पता है क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड अपना सिर्फ पहला मैच हारा था, उसके बाद उसके 4 मैच का मोमेंटम था कि वो लगातार जीतते हुए। इंग्लैंड अपने शुरू के 4 जीते लेकिन एंड का 1 हारा था, तो यानी उनका मोमेंटम टूट गया, और टूटते ही चले गया, वो टूट फूट कर बाहर ही निकल गया, समझ रहे हो। ही निकलना है वापस, वापस रख दो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वापस रख दो। अरे क्या है, व्हाट इज दिस? टॉस हार चुका है और पाकिस्तान की अब फील्डिंग है, और मैं क्रिप इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई पिछली वीडियो में उड़ा दी गई थी इंडिया वाली, तो सारी सीन कट करके डाले थे, तो अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये देख लो, उम्मीद करते हैं 180-90 तक का स्कोर जाए ताकि फाइटिंग स्कोर हो। मुझे अभी अभी याद आया कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, और मैंने ये कौन सी टी शर्ट पहनी हुई है, फील नहीं बैठ रही ना। अभी जा रहा हूँ पहले ओवर के बाद टी शर्ट चेंज करना, चेंज कर कर आता हूँ भैया। अब फील बैठेगी ना, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन ली, अब मज़ा आएगा ना देखने में, फील नहीं बैठ रही थी ना। चलो देखने चलते हैं, पहले ओवर अभी अभी गुजरा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आ गई भाई पाकिस्तान की, थोड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, कम हो गई थी अभी बड़ी ना, ऐसे उदासी टाइप हो गई थी 176 रन देखकर। अब आ रहा थोड़ा पाकिस्तान जीत सकता है। पहले ओवर तक रही बड़ी खुशी कि शाहीन अफरीदी ने आते विकेट ले ली एरन फिंच की, लेकिन उसके बाद विकटें गिरना शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की गिरी विकटें, छक्के भी लगे, चौके भी लगे, लेकिन एक उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब मैच जीत सकते हैं, और पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। अब वो लोग जो ताक में थे कि अब हेट देना पाकिस्तान टीम को, अब वो शुरू हो जाएंगे हसन अली को घिसना, बाबर आजम की कप्तानी को घिसना, और ये वही लोग होंगे जो कि इंडिया वाले मैच में, न्यूजीलैंड वाले मैच में, अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान कर रहे थे, हमें जीत की लगन कर रहे थे, और कुछ होंगे ऐसे फैंस जिनको दिल से दिल टूटा होगा उनका, लेकिन वो अभी भी तुम हार रहे थे तो हमें तुमसे प्यार है कर रहे होंगे, और मैं वही दूसरे टाइप का हूँ।
बहुत सारे लोग हुए जो मौसमी क्रिकेटर्स मतलब मौसम देखने वाले थे, जो मतलब देखते ही वर्ल्ड कप के मैचेस से या बड़े मैचेस से, और वो मतलब पाकिस्तान की हार को कर रहे हैं यार ये हुआ। तो भाई देखो वर्ल्ड कप से पहले हमारी क्या हालात थे, हम इंग्लैंड सीरीज हार कर आ रहे थे, हमारी न्यूजीलैंड सीरीज कैंसिल हुई, इंग्लैंड सीरीज कैंसिल हुई, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज बारिश में बह गई, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपनी नर्व को कंट्रोल रखा। ये वही पाकिस्तानी टीम है जिसके स्क्वाड पर इतनी उंगलियाँ उठाई गई थी कि इसमें ये नहीं है, इसमें आमिर नहीं है, इसमें वहाब नहीं है, क्या कर सकती है ये टीम ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें शरीर नहीं है, क्या कर लेगी, इंडिया को हरा पाएगी ये, न्यूजीलैंड को हरा पाएगी, ये वही टीम है, सरफराज नहीं था। और लेकिन फिर भी इस टीम ने हमें ये होप दी कि हमने इंडिया को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमें अफगानिस्तान को हराया, हमें 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जितवाए, और हमें एक होप दिया कि हम सेमीफाइनल खेलकर जीत सकते हैं और वर्ल्ड कप उठा सकते हैं। एक होप दी हमें क्योंकि हमारी वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल ख़त्म थी कि हम इंडिया से मैच हार जाएंगे, न्यूजीलैंड से मैच हार जाएंगे, हमारा कुछ नहीं था। आरिफ सरूफ की बुराई चल रही थी, शाइना फरीदी, आसिफ अली, इन सब की सिलेक्शन पे गुलियाँ उठ रही थी कि क्या ये हमारे हिटर्स कम हुआ है, हमारे हिटर आसिफ अली क्या कर पाएंगे, हमारे आमिर नहीं है, वहाब नहीं है, तो यहाँ पर शाइन और रॉफ कुछ कर पाएंगे। उन्होंने भाई हमें उम्मीद थी विकटें निकाली, शादाब खान से इतनी उंगलियाँ उठ रही थी कि वो क्या करेगा बॉलिंग में, क्या कर सकते हैं, उसने भी अपने आप को प्रूफ किया। और हसन अली जो पूरे टूर्नामेंट में प्रूफ नहीं कर पाया सिवाय एक मैच के जो कि स्कॉटलैंड या नामीबिया के खिलाफ था। तो जो लोग कह रहे हैं भाई कि हफीज़ को एक और रिकवर लगा दिया, अभी मान वसीम और शादाब खान ने कमबैक कर लिया था, अच्छे ओवर कर रहे थे तो आप हफीज़ को ला दें, तो देखो हफीज़ अपने पहले ओवर में 9 बॉल करके छक्का खा चुका था और 13 या 15 रन खा चुका था। तो अगर फिर से हफीज़ को लगाते और एक प्रॉपर पेसर यानी हसन अली को नहीं लगाते और हफीज़ फिर से पिटता तो भी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर निशान उठते। तो इस वजह से उसने हसन अली को प्रिफेयर किया उसी जगह कि हसन अली क्या पता कुछ कर दे, क्योंकि देखो आप पार्ट टाइम स्पिनर पे ना या बैटिंग ऑल राउंडर स्पिनर पे आप कभी रिलाय नहीं कर सकते कि वो मैच जितवा कर देगा, वो सिर्फ इसलिए है कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या आपको ऐसा छठा ओवर चाहिए इसलिए है, इसलिए नहीं है कि वो आप अपने पेसर्स को हटा के आप उसको ओवर पे लगाओ। तो वो भी रन खा रहा था, हसन अली ने पहले ओवर में 8 रन खाए थे और दूसरे ओवर में कोई 9 रन खाए थे, 9-10 रन, तो उन्होंने हसन अली को प्रीफेयर किया और कैच ड्रॉप हुआ हसन अली से। और जो लोग कह रहे हैं हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, तो भाई कोई भी ना अपनी खुशी से कैच ड्रॉप नहीं करता, उसको गम था उसका, लेकिन लोग कहेंगे भाई क्या फ़ायदा गम का। तो भाई हसन अली वही है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बॉल जीती थी, हर मैचों में 3-3 विकटें निकाली थी सिवाय इंडिया वाले मैच, और अब उस पर बुरा दिन आ रहा है तो अब सारे हेट मिल के फैला रहे हैं। तो यार सोचो कुछ, खुदा का खौफ करो, हार गए गम बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को इंशाल्लाह, बांग्लादेश की सीरीज से अच्छी खेल कर आएंगे, अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, फिर से अगले साल एक और एक वर्ल्ड कप है हमारा 50 वाला, उसके बाद एशिया कप भी है, उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी थी पाकिस्तान ने, इंडिया को बुरी तरीके से हराया, बुरी तरीके से समझो 10 विकेटों से ज़्यादा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हरा ही नहीं पा रहा था इंडिया को, वहाँ पे 10 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड को आसिफ ने छक्के मार मार के भगाया, हारिस ने क्या पॉइंट डाला, अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली की मैच विनिंग बैट, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम किसी एक टीम को भी हरा पाएंगे, तो हमें ये था या तो इंडिया को हरा लेंगे या तो न्यूजीलैंड को हरा लेंगे या पाकिस्तान से हार लेंगे, सबको यही था हमें 5 मैच जीते, इंग्लैंड भी निकल गई, वेस्ट इंडीज़ भी निकल गई, इंडिया भी निकल गई, साउथ अफ्रीका भी निकल गई, अफगानिस्तान भी निकल गई, हम भी निकल गए, बचे दो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अब इस फाइनल की वो हाइप नहीं रहेगी जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की हो सकती थी या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की हो सकती थी अगर वो जीता। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अफसोस है सबको, अफसोस है सबके दिल टूटेंगे, कल के दिन जो क्रिकेट नहीं भी देखते थे उनके भी दिल टूटेंगे, यार हमें एक होप थी कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अगले साल तो देखो बहुत कम लोगों को होप होगी, और इसकी वजह ये है कि वो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए था हार्ड हिटर जो कि हमारे पास नहीं है, रिजवान और बाबर तो वो इसी पिच पे चलती है, आसिफ अली जैसा एक हिटर है उसमें मनी रिटायरमेंट के करीब है, हाफिज होगा, शर्जील की जरूरत पड़ेगी उस पिच के लिए, मिश्रा चलाए क्योंकि उसने कह चुका है, वो कह चुका है कि स्पॉट फिक्सिंग कर चुके हैं पहले, वो कभी नहीं आ पाएंगे वर्ल्ड कप मैच में। तो संगीत में